बुरी खबर यह है कि आप लोगों पर थोप नहीं सकते कि वो आपको पसंद करें, आपको समझें या आपके साथ नाइस बिहेव करें। और अच्छी खबर यह है कि ये सब मायने नहीं रखता। यार ये जो बहुत बड़े साधु संत होते हैं जो आपको बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताते हैं या जिन्हें हम इतिहास के समय से जानते आ रहे हैं, क्या इनका कोई पास्ट नहीं होगा? इनका भी तो पास्ट था ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि महर्षि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, यानी डाकू के सारे काम वो करते थे, चोरी लूटना वगैरह। मगर एक दिन उनकी बुद्धि घूमी, उन्हें पता चला कि पापी सिर्फ उन्हें ही माना जा रहा है, उनके परिवार के सदस्य जिन्हें वो पाल रहे थे वो भी उन्हें ही पापी ठहरा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत खुद को बदलने का फैसला किया और वो महर्षि वाल्मीकि के रूप में हमारे सामने आए। तो यार इनका भी तो पास्ट था ना। ऐसे ही हम में जितने लोग खुद को पापी मानते हैं, खुद को गलत समझते हैं और सोचते हैं हमने तो पाप कर लिया है, अब सुधार कैसे होगा। तो सच तो यही है कि हर साधु का पास्ट होता है और हर पापी का फ्यूचर भी। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि जब जागो तब सवेरा, तो कहीं ना कहीं ये सच तो है यार। ऐसे ही बहुत सी बातें होती है जो आप अंदर अंदर अपने एटीट्यूड में बिल्ड कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता यार अब तक आपने अपनी लाइफ कैसे बिताई है, मायने बस ये रखता है कि आप अभी क्या करने वाले हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे बीतने वाले हैं आने वाले साल। हमेशा ये याद रखो कि ये जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे आपको सुलझाना है, इसकी कोई गुत्थी नहीं है जिसे आप जांचने परखने की कोशिश करोगे, बल्कि ये सच्चाई है जिसे आप बस एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसके बहाव में बह सकते हो। ये एक ऐसा पानी है जिसमें बहुत बंदे जो अपने आप को किसी लायक नहीं समझते थे वो डूब गए, और जो लायक समझते थे उन्होंने इसी पानी के बहाव में बैठे बैठे कश्तियां बनाई है। और यही होता है एक्सपीरियंस। और पता है हम लाइफ जीते हैं उससे जो हमें मिलता है, प्यार पैसा आराम जो भी हमें मिला उससे हम जिएंगे, मगर हम लाइफ बनाते हैं उससे जो हम देते हैं। अगर आपने नफरत को फैलाया है ना यार, तो आपके इर्द गिर्द सिर्फ नफरत ही फैलेगी, आप कभी प्यार को फील नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपने सच में पॉजिटिविटी को फैलाया तो आप अपने इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी ही फील करोगे। तो खुद के एटीट्यूड में सबसे पहले बिल्ड करो प्रेजेंट मोमेंट में जीना, वो नहीं कि हाय मैंने पिछले दिनों में क्या कर दिया था, मेरी लाइफ तो ऐसी हो गई वैसी हो गई, अब क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप जो अभी जी रहे हो बस वही सच है। आप अभी गलत करोगे तो अगला दिन गलत ही होगा, और जो सही करोगे तो अगले मोमेंट पर सब ठीक होगा। इसके बाद है खुद के कॉन्फिडेंस को गिराओ मत। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी पावर होती है, खुद के अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करना आपको हरा सकता है, आपको टॉर्चर कर सकता है। पर यार अगर आपने ये सोचा हुआ है कि साला कुछ नहीं हुआ तो भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से तो अपन नहीं है। अपन ऐसे नहीं है कि बस सोचा और छोड़ दिया, करेंगे चाहे अपनी नजरों में उठने के लिए कुछ ना कुछ करें, पर कुछ तो होगा। हर किसी की रोटी लिखी गई है यार, ऐसा तो नहीं है कि आपको खाने को नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, भले ही आपके घर में आपके हाथों में ना मिले, लेकिन थोड़ी मेहनत करके कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। और यार लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए या सेल्फ मोटिवेशन के लिए या खुद के बारे में सोचने के लिए भी आपको यार टाइम मैनेज तो करना पड़ेगा ही। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, सिर्फ सोचने से दिन को बिता देना इससे कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो सोचने से दिन मत बिताओ दोस्तों, टाइम का टारगेट सेट रखा करो कि अभी ये करना है, इसके बाद ये करेंगे और फिर ये, मतलब आपके माइंड में या आपकी नोटबुक में ये सब लिखा होना चाहिए। इसके बाद शिकायत और बहाने बनाना, ये दो चीज जितना जल्दी आपका पीछा छोड़ दे उतना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ उसके पास होते हैं जिसके बस की कुछ नहीं। मतलब एक होता है ना कि बंदा लैपटॉप पर काम कर रहा है और तुरंत लैपटॉप रीस्टार्ट होने लग जाए, तो उसमें इतने पेशेंस नहीं है कि वो इस चीज को झेल सके, बल्कि लैपटॉप जब स्टार्ट होने लगेगा तो उसके बाद उसका काम करने का मन करता ही नहीं, क्योंकि अब तो बहाना मिल गया ना कि रीस्टार्ट होने लग गया था। तो यार ये वाली चीज मत करना। और आखिरी है कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, चाहे कोई आदत है, चाहे कोई काम हो, चाहे जॉब हो, चाहे किसी भी चीज में आपको एक्सपर्ट बनना है, हर चीज में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाती है। ये आज किया कल छोड़ दिया फिर दो दिन बाद किया फिर छोड़ दिया, ये सब करने से ना कुछ हासिल हुआ है और ना होगा। तो जो करना है टाइम लिमिट के साथ रेगुलर करना ये बहुत जरूरी है। टाइम लिमिट इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हो जहां कुछ भी नहीं हो रहा और फिर भी आप उसी रास्ते पर चल के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए एक टाइम लिमिट लेकर चलना कि भाई इतने टाइम में देखते हैं क्या होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी ग्रोथ नजर आती है ना तो समझ जाओ कि काम तो आप बढ़िया कर रहे हो, बाकी उसे थोड़ा ज्यादा और चला कर देखो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।